तो आज हम आपको ये कैप्री ट्राउज़र काटना सिखाएंगे। ये ब्लैक कलर का है, ये देख सकते हैं, और इसकी पूरी वीडियो आपको इस कटिंग की करके दिखाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब लाइक कर दें। स्टिचिंग कटिंग सीखने के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बने रहिए वीडियो के साथ, आपको ये काट के दिखा रहे हैं। ये जी देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हमने ये 2 इंच का निशान लगा लेना है, इस तरीके से ऐसे। और यहाँ से ये देख सकते हैं 12.5 इंच पे ये मैंने ये निशान लगा लेना है। और यहाँ से मैं रख रहा हूँ ये 1 इंच का, और यहाँ से भी मैं ये 1 इंच का रख रहा हूँ, और ये जो है 12.5 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ से भी 12.5 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ। इसकी थाई है 13 इंच, ये मैं 13 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। इसकी लंबाई है 32.5। अब यहाँ से मैं ये बेल्ट का निशान है, यहाँ से मैं इसको इस निशान पे लगा रहा हूँ, ये पांचों का निशान है। इसके पांचे तो फोल्ड नहीं होंगे, इसके हम ये सकाल ऑफ कल्टी करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं रख रहा हूँ ये जो आपने रखा हुआ है, यहाँ से ये यहाँ तक 15 इंच, आपने यहाँ से इसको ये 15 इंच पे 7.5 पे निशान लगाना है। अब इसका पांचा जो है 6.5 है, आपने ये ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ से ये 6.5 का निशान लगा लेना है। शेप पट्टी ले लेनी है आपने, शेप पट्टी से आपने ये ऐसे निशान, ये इस जगह पे ऐसे निशान लगा लेना है, ये देख सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से ये ऐसे निशान लगा लेंगे, ये देख सकते हैं जी। VAP तरीके से आपको कैपरी पेंट सिखाया है हमने, ये इस तरीके से आपने ये निशान लगा लेने, इस तरीके से ये निशान, ये देख सकते हैं, ये 6.5 इंच का पांचा है, यहाँ से हमने रखा हुआ 13 इंच, यहाँ से हमने ये 12.5 इंच, ये यहाँ से हमने ये 2 इंच का रखा है, ये वाला हिस्सा हमने 12.5 इंच पे रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस निशान के ऊपर आपने काट लेना है, और इस तरीके से इस जगह पे आपने इस निशान पे काट लें भले, और इस जगह पे आके आपने ये इस तरीके से इतना दबाव छोड़ के काट लेना। अब आपको काट के दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने ये इसको कटिंग कर लेना है, ये ऐसे, ये देख सकते हैं, ये ऐसे। अब आप तो मैं जो समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपने काट लेना है, क्योंकि अगर फिट हो गया तो ये दबाव से आप लूज कर सकते हैं। आपको समझ तो आ गई होगी ये ट्राउजर की। ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है, अब इस पे आपने ये बिछा लेना है ऐसे। अब इसका बैग जो है ना, आपने इतना यहाँ से इतना और यहाँ से इस जगह पे इतना, अगर आप फिर भी शेप पट्टी की मदद लेना चाहें तो आप फिर इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से भी ये बैग को आपने इतना, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने बैग भी ज्यादा काटना है। ये इसको मैं काटने लगा हूँ जी, ये देख सकते हैं, ये ऐसे आपने ये ऐसे काट लेना है, बड़े इजी तरीके से। आपको आज हमने कैपरी ट्राउजर कटिंग करना सिखा दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये देख सकते हैं, ये मेरी फैंसी सूटों काटने की है, और ये दूसरे
सूटों काटने की कैंची है, आपने अच्छी सी ये कैंची लेनी है, इंची टेप लेना है, स्केल लेना है और ये ले लेना है और टेबल बनवा लेनी है आप अगर कटिंग सीखना चाहते हैं। स्टिचिंग की भी वीडियो होती है हमारे पास, लेटेस्ट डिजाइनिंग की भी वीडियो होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर कर लें।